हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सैरोगेसी से पेरेंट्स बने सेलेब्स पर भड़की रंगोली चंदेल, सुष्मिता सेन को किया सलाम। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप फिल्मी बीट को सब्सक्राइब कर लें। कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की तारीफों के पुल बांधे है। इसकी वजह भी खास है। रंगोली के मुताबिक जहाँ हर कोई सेलेब सैरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बन रहे हैं, वही सुष्मिता सेन ने सैरोगेसी को छोड़ बच्चों को गोद लेना बेहतर समझा। रंगोली चंदेल ने ट्वीट कर लिखा, मैं सुष्मिता सेन को सैल्यूट करती हूँ। एक माँ हर बच्चे के लिए माँ है, ना कि ऐसी माँ जो अपने क्रोमोसोम टाइप को कैरी करने तक सीमित रहती है। मीडिया को ऐसे पेरेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए जिन्होंने अपने क्रोमोसोम टाइप इमोशन से परे जाकर एक नन्ही जान तक पहुँचने की कोशिश की है। रंगोली चंदेल ने कई सारे ट्वीट पर सेलेक्टिव पेरेंट और बॉलीवुड सेलेब्स के सैरोगेसी प्रक्रिया को फॉलो करने पर तंज कसा है। रंगोली का कहना है कि क्यों अमीर और फेमस लोग लैब में बच्चों को बनाने की बजाय उन्हें गोद क्यों नहीं लेते जो भूख से मर रहे हैं और जिन्हें घर की बेहद जरूरत होती है। दूसरे एक ट्वीट में रंगोली लिखी, ये फेमस और अमीर लोग अपनी झूठी खुशी को दिखाने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है। रंगोली के इन ट्वीट्स की लोग सराहना कम और आलोचना ज्यादा कर रहे हैं। दरअसल फिल्म क्रिटिक सुभाष झा ने एक ट्वीट कर लिखा था, क्यों बॉलीवुड के सोशल मीडिया डार्लिंग्स अपने सैरोगेट पेरेंटहुड को फ्लॉन्ट करते हैं जबकि देश में कई सारे अनाथ बच्चे मौजूद है। सेलेब्स को इन बच्चों को गोद लेकर फैंस के लिए मिसाल पेश करनी चाहिए। इसी ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए रंगोली चंदेल ने सेलेब्स पर निशाना साधा है। बता दें कि पिछले दिनों शिल्पा शेट्टी सैरोगेसी के जरिए दूसरी बार मां बनी है। शिल्पा से पहले एकता कपूर, करण जौहर, तुषार कपूर समेत कई बॉलीवुड स्टार्स सैरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बने हैं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।